मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर, दैट इज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजेंसीज, मेन थ्री टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन दैट वी हैव टू डिस्कस इन योर सिलेबस। फर्स्टली वी विल डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो फैमिली है उसका रोल देखेंगे, उसकी भूमिका देखेंगे कि उसका सोशलाइजेशन में क्या रोल है, समाजीकरण में क्या रोल है। अभी देखिए, जो फैमिली है दैट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। इसके अंदर जो शुरुआत में बच्चा जब जन्म लेता है तो वो फैमिली के अंदर जो भी सिचुएशंस होती हैं, मतलब जो भी घर में जो भी माहौल होता है उस चीज़ का सामना करता है, और जो घर के अंदर जो कुछ भी वो सीखता है तो दैट मीन्स उसको हम फैमिली को क्या कह सकते हैं कि वो फर्स्ट स्कूल है एक बच्चे के लिए। तो क्योंकि जो घर के अंदर जो मदर है वो उसके एज ए टीचर रोल प्ले करती है, और जो घर है फैमिली है वो एज ए स्कूल रोल प्ले करती है। तो बच्चा घर के अंदर बहुत कुछ सीखता है जो कि उसके सोशलाइजेशन के अंदर काफ़ी काम में आता है। तो अब ये देखिए, जो फैमिली है उनके क्या क्या रोल हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के अंदर, बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट है फर्स्ट स्कूल, जो फैमिली है दैट इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है वैसे ही बच्चा शुरुआती दौर में अपने घर के अंदर सीखता है। तो दैट मीन्स जो फैमिली है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड होती है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। बच्चे के अंदर जो सोशल क्वालिटीज़ है वो भी फैमिली के थ्रू ही आती हैं, क्योंकि जो सोशल क्वालिटीज़ मीन्स कि समाज के अंदर रहने के लिए क्वालिटीज़, दैट मीन्स बच्चा जो है एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए मतलब थोड़ा मतलब प्रेम की भावना, ब्रदरहुड, ये सब जो है सोशल क्वालिटीज़, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, समाज के तौर तरीके अपनाना, ये सब सोशल क्वालिटीज़ है। और वो कहाँ से सीखता है बच्चा, वो सिर्फ फैमिली से सीखता है, और उसकी फैमिली के अंदर ही इन सोशल क्वालिटीज़ की डिवेलपमेंट होती है। तीसरा क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। बच्चे की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो भी कहाँ से पूरी होती हैं, फैमिली से पूरी होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स मीन्स जो लव है, प्यार, सिक्योरिटी, सुरक्षा, अफेक्शन, इस तरह से जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ये सब वो कहाँ से सीखता है, कहाँ से लेता है, वो सब भी वो एक फैमिली से लेता है। ऑल द साइकोलॉजिकल नीड्स आर टू बी इम्पार्टेड बाय द फैमिली। इसकी सारी सेटिस्फेक्शन जो होती है बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स की, वो भी थ्रू फैमिली होती है। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, मीन्स चरित्र निर्माण। ये तो है ही कि जैसे घर के अंदर अपने परिवार का, अपनी फैमिली का चरित्र होगा, मदर का चरित्र होगा, फादर का चरित्र होगा, वैसा ही बच्चे का बिल्डअप हो जाता है करेक्टर। जो करेक्टर है सबसे पहले वो घर से ही निर्मित होता है बच्चे का, कुछ ना कुछ जो भी घर के अंदर करेक्टर होता है सबका, फैमिली का, वही करेक्टर बच्चे के साथ लाइफ टाइम चलता रहता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस। सिविक सेंस मीन्स जो एक ड्यूटीज होती हैं, एक मीन्स इक्वालिटी, कोऑपरेशन, सिटीजनशिप। सिविक सेंस मीन्स सिटीजनशिप, मतलब एक तरह से नागरिक, अच्छे नागरिक बनने की सेंस भी कहाँ से आती है, फैमिली से आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, बच्चा क्या सीखेगा, सिटीजनशिप, और इसके अंदर सीखेगा ड्यूटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, वो सब इसके अंदर सीखे जाएंगे सिविक सेंस के अंदर। बच्चा जो है वो सिविक सेंस जो है वो सारी फैमिली से ही लेता है, क्योंकि घर के अंदर ही जो ड्यूटीज़ है उसको, ड्यूटीज़ की शुरुआत, रूल्स एंड रेगुलेशन की शुरुआत घर से ही हो जाती है। तो बच्चा उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना शुरू करता है, तो जिससे कि वो आगे सोशलाइजेशन में भी उसके काम आती है, मीन्स समाज के अंदर भी फिर वो उन्हीं ड्यूटीज़ को, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करता है। उसके बाद है डेवलपमेंट
बिहेवियर, दैट मीन्स बच्चे का बिहेवियर अच्छा या बुरा बनाना भी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली के अंदर कई कंडीशंस अच्छी होती हैं जिससे कि बच्चे का बिहेवियर भी अच्छा होता है, बट कई बार घर के अंदर ही फैमिली के अंदर भी इस तरह से बिहेवियर होता है, बैड बिहेवियर होता है बच्चों के साथ भी या घर के अंदर भी, या पेरेंट्स की आपस के अंदर कुछ आपस की उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होना, जिससे कि बच्चे के बिहेवियर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो दैट मीन्स जो फैमिली है उससे बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और काफ़ी पॉजिटिव इसके इफेक्ट भी हो सकते हैं बच्चे के ऊपर। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी बच्चा जो है वो सबसे पहले घर से ही सीखता है, वो कुछ ना कुछ वर्ड्स जैसे कि मदर फादर का नेम या मम्मा पापा जो भी है दादा दादी, तो इस तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है सबसे पहले फैमिली से ही होती है। उसके बाद वो जैसे अप टू 3 इयर्स बच्चा घर के अंदर रहता है तो लैंग्वेज जितनी भी घर के अंदर बोली जाती हैं, जो भी वोकल कोड्स होते हैं, जो भी मदर टंग बोली जाती है, मदर लैंग्वेज बोली जाती है, वो सब रीजनल लैंग्वेज है, वो सब एक तरह से वो सबसे पहले फैमिली से ही सीखता है। मतलब भाषा का जो विकास है वो भी सबसे पहले घर के अंदर से ही होगा। उसके बाद है कल्चरल डेवलपमेंट और कन्वेयर ऑफ ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस मीन्स जो रीति रिवाज, जो कल्चर्स हमारे चले आ रहे हैं, जो संस्कृति हमारी चली आ रही है, वो भी बच्चा घर के अंदर से ही सीखता है। क्योंकि जैसे कि हम जो भी फेस्टिवल्स घर में मनाते हैं तो बच्चा उन चीज़ों को देखता है, जिससे क्या होगा कि वही वाले वो रीति रिवाज, वही धर्म, वही ट्रेडिशंस, वही फेस्टिवल वो सब देखेगा और सीखेगा, तो जिससे कि उसकी सोशलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से होगी और वही समाज के अंदर वही ट्रेडिशन, वही रीति रिवाज लेके चलने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की। उसके बाद है वोकेशनल चॉइस। वोकेशनल चॉइस भी घर के अंदर से ही शुरुआत होती है। जैसे कि मान लो हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर फादर का किसी टाइप का बिजनेस है तो बच्चे को उसके अंदर चॉइस मिल जाती है कि या तो वो बिजनेस कर सकता है और या फिर वो अदर बिजनेस में या अदर किसी और लाइक गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, वो उसके लिए चॉइस होती है। बट एक ये है कि जो घर का अगर कोई वोकेशन है, घर का अगर कोई बिजनेस है, जॉब है या कुछ भी है, वो उसके लिए एक वोकेशनल चॉइस होती है कि बच्चा किस चीज़ को अपनाता है। तो दैट मीन्स ये वाली जो वोकेशनल चॉइस है ये भी उसको सबसे पहले घर से ही मिलती है। उसके बाद है इकोनॉमिक फंक्शन, दैट इज बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मीन्स बच्चे को फूड, शेल्टर, ये जो सब है क्लोथ, ये सब घर के अंदर से ही पेरेंट्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स उनको इस चीज़, मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बाय हुक और क्रूक। जैसे कि कई पेरेंट्स गरीब होते हैं तब भी वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को ना देखते हुए कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए ये जो बेसिक नीड्स है इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें भी सबसे पहले हमें अपनी फैमिली से ही रिसीव होती हैं, अपनी फैमिली से ही मिलती हैं। तो दैट मीन्स जो मेन सोशलाइजेशन की सबसे स्टार्टिंग वाली एजेंसी है दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिली, उसी से बच्चे की जितनी भी स्टार्टिंग सोशलाइजेशन होती है वो सब फैमिली से ही स्टार्ट होती है। आई होप आप लोगों को फैमिली का रोल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास टू जो एजेंसीज है वो और हैं, जैसे कि स्कूल और सोसाइटी, इनके रोल हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।